नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपको बताएंगे कि एक्चुअली रिलेशनशिप जो है फॉरेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस के क्या होता है ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा हुआ है एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू सी अपन 5 इक्वल्स टू के माइनस 273 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे क्या है, एफ फॉरेनहाइट है, सी सेल्सियस है और के केल्विन में है। तो एक्चुअली एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर बता देते हैं आपको, किसी एक का वैल्यू अगर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो किसी दूसरे का जो है वैल्यू काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, फॉरेनहाइट का वैल्यू 36 दिया हुआ है तो हमारे पास जो है पूछा जा रहा है कि सेल्सियस में इसका क्या वैल्यू होगा। तो अपन यहाँ पे जो है काफ़ी आसानी से सेल्सियस का वैल्यू निकाल सकते हैं ये रिलेशन के माध्यम से। एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई हो गया 9 इक्वल्स टू हो गया हमारा सी अपन 5। तो हमारे पास एफ का जो है वैल्यू 36 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, माइनस 32 डिवाइड बाय हो जाएगा 9 इक्वल्स टू सी अपन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 36 माइनस 32 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/9 इक्वल्स टू सी अपन 5। इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो अपन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20/9। तो सी का वैल्यू जो है आपका ये आ जाएगा 20/9। तो एक्चुअली किसी का भी अगर आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होगा, सेल्सियस का या फॉरेनहाइट का या केल्विन का, तो आप इस रिलेशन के माध्यम से जो है काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में जो है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।